में मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ पे ऑल इंडिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नई शिक्षा नीति जो है उससे खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और हमारे साथ हैं नीतू कुमारी जी। मैम, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो प्रोटेस्ट है, क्या आपको लगता है कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है, क्या उसमें कहीं कहीं खामी है, कुछ गलती है, इसका प्रोटेस्ट हो रहा है? देखिए, ये जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, ये एक तरीके से गरीबों से पूरी तरीके से छीनने की तैयारी है। इसमें फीस वृद्धि जो इन्होंने इतनी ज़्यादा कर दी है, गरीब इंसान कहाँ पढ़ पाएगा, किस तरीके से अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ सोच सकता है, नहीं सोच सकता, बहुत मुश्किल है। पहले हम देखते थे कि गरीब घर का बच्चा भी पढ़ लिख कर कुछ बन सकता है, जैसे हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे, कितने गरीब घर के थे, लेकिन वो पढ़ लिख कर प्रधानमंत्री बने, हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे। और भी बहुत सारे नाम हैं जो गरीब परिवार से आए लेकिन एक बहुत ऊँचे ओहदे पर गए, उनका भविष्य एक बेहतर हुआ। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, आज शिक्षा इतनी महंगी करती है, आप एक छोटे नर्सरी के बच्चे का आप एडमिशन कराते हैं तो आपको लाखों रुपया चाहिए, तो ये कहाँ गरीब इंसान को, तो आप सिर्फ एक मजदूर वर्ग ही बनाना चाहते हैं, क्या वो सिर्फ एक मजदूर बन के रह जाएगा? क्या गरीब इंसान अपने बच्चे को पढ़ाकर उसके बेहतर भविष्य के बारे में नहीं सोच सकता वो? तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि जो प्राइवेटाइजेशन है वहाँ, उसमें केंद्र सरकार को जो फीस है उसमें कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए कि उसमें एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देना चाहिए कि जो प्राइवेट स्कूल में जो नर्सरी है या 12वीं तक का उस बच्चा है, उस बेड भी लेता है उसमें, तो उसकी जो फीस है वो गवर्नमेंट के थ्रू मानी जाएगी, जितना गवर्नमेंट निश्चित करेगी। देखिए, गवर्नमेंट के अंडर सब कुछ होता है, प्राइवेट भी जो भी करता है वो गवर्नमेंट से परमिशन लेकर ही करता है, वो मनमानी नहीं करता, क्योंकि उस पर नकेल लगा सकती है सरकार, नकेल लगा सकती है प्राइवेट हाथों में भी। लेकिन अगर सरकारी स्कूल बेहतर शिक्षा दे, साथ ही अभी तो जो फॉर्म निकल रहे हैं वो सरकारी जो फॉर्म निकल रहे हैं उसमें फ़ीस जो इतनी ज़्यादा इन्होंने कर दी है वो गरीब बच्चा नहीं दे पा रहा है। और अभी जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, वो शिक्षा नीति जो इतना बड़ा बदलाव किया है उसमें, वो बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ है। साथ ही बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, आप सामने देख रहे हैं, ये जो सामने हजारों की संख्या में जो बैठे हुए नौजवान, ये सभी बेरोजगार हैं, भर्ती नहीं निकल रही है। सरकार हर चीज़ को धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में दे रही है, सरकार कहाँ से नौकरियां देगी अगर सभी चीज़ों को बेच देगी वो? इसलिए ये हमारा ऑल इंडिया स्टूडेंट पूरे भारत से इकट्ठा होकर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है, यहाँ पर नई शिक्षा नीति के खिलाफ है, ये बेरोजगारी के खिलाफ है, ये महंगाई के खिलाफ है, ये तो यहाँ